किसी भी राज्य में वहाँ के लोगों विशेषकर स्थानीय लोगों के विकास के लिए कई नीतियों की जरूरत पड़ती है। उसी में से एक स्थानीय नीति भी है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें कि वहाँ के लोगों के शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, नौकरियों में, ठेकेदारी में और वहाँ जो भी काम ऐसे हैं जिनका संबंध आर्थिक से है उनमें वहाँ के लोगों की हिस्सेदारी हो, उसके लिए एक नीति बनाई जाती है जिसे बोलते हैं स्थानीय नीति। रघुवर दास की सरकार ने स्थानीय नीति बनाई है जिसका इस राज्य के लोगों ने खुलम खुला विरोध जताया है। इसका कारण यह है कि स्थानीय नीति में उन नीतियों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। कई ऐसे छेद उस नीति में रह गए हैं जिस छेद से बाहरी लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दिया जा सकता है और इसी के लिए यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष है और वे दिनों दिन रोज रैली और धरना के माध्यम से इस नीति का विरोध कर रहे हैं। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में हमारे आदिवासी लोगों के जल जंगल जमीन को लेके उस पर हस्तक्षेप कर रही है यहाँ की जो अभी रघुवर सरकार है वो, तो हम इसके बचाव के लिए यहाँ आए हैं। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में जो संशोधन की बात सरकार ने कही है कि हम इसमें प्रावधान ला रहे हैं, इसमें हम व्यवधान ला रहे हैं, इसमें संशोधन लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि संशोधन लाए जाएंगे तो हमारे आदिवासियों के पक्ष में कुछ भी नहीं रहेगा, वो ऐसा ही मर जाएंगे, क्योंकि संशोधन में ऐसा संशोधन लाया जा रहा है कि वो आदिवासियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो आदिवासियों को यहाँ से भगाने और आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित करने, आदिवासियों के यहाँ से पलायन करने के लिए ये साजिश राजाए साजिश बनाया जा रहा है। स्थानीय नीति एवं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2016 को रद्द करवाने के लिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं अपील एवं आह्वान करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर आप सभी झारखंड सरकार पर दबाव बनाएं। मैं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।